everyone, I am back with another lecture. Actually, ये बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी इंस्टा पर, तो लाइक आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, पेपर्स आ रहे हैं और लाइक आई नो कि कोविड की वजह से पहले ही काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं स्टडी को लेके, सो मैंने कहा कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ, तो लाइक दैट इज़ बेटर वे. तो अब चैप्टर वन से ही आज मैंने स्टार्ट किया थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के लाइक बेसिक डेफिनेशंस हैं और कुछ इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की डेफिनेशन से, ठीक है. बेस थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की बेसिक डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेनली जाहिर से बात है सारी पूरी लाइक आप थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज पे बेस करें, ठीक है. तो आपको डेफिनेशन मेन पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है. इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है. जैसे इन्होंने इनके इसके इंटररिलेटेड एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं फिजिकल फंक्शन में और लाइक हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है. और साथ इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए एस्पेक्ट्स क्या है फिजिकल फंक्शन की. ये सारे उनके की टर्म्स हैं, इनके आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारे पास बैलेंस क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस क्या है. देखिए बैलेंस हमारे पास अलाइन है बॉडी सेगमेंट्स, ठीक है. सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारे पास बेस ऑफ सपोर्ट, लाइक आप सिंपली ये कह सकते हो कि हमारे पास जितनी ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगी ना, ठीक है, उतनी ज़्यादा बॉडी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइक देखो जितनी बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होती जाएगी क्या करेंगे कि हमारे पास, देखो अगर आप कहते हो कि एक बंदा है वो लाइक किसी ऐसी चीज़ पे बैठा हुआ है या क्या ऐसे खड़ा हुआ है कि उसका बेस ऑफ सपोर्ट जो है या जिस पे सपोर्ट है, ठीक है, उसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है. तो हमारे पास क्या होगा कि बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कि वो किसी ऐसे एरिया में जाकर उसकी बेस ऑफ सपोर्ट कम है या उसका उसके सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी के साथ जो उसका इफेक्ट है वो. इस तरह से आप सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है. तो हम इसको लेक्चर्स में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दी जाती हूँ. बैलेंस, कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल परफॉर्मेंस, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है. बेसिकली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है. पोस्चर कंट्रोल, पोस्चर स्टेबिलिटी, लाइक हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है. फिर हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास सिंपली देखें अगर थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की ना काफ़ी बुक्स में जिया लाइक किस्नर में तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास बॉक्सेस वगैरह की फॉर्म में, ठीक है. अब इन्होंने सिंपली थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के सारे इंटरवेंशन लिख दिए हैं एक ही टेबल में. उन्होंने सारे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज को कंबाइन कर दिए, ठीक है. स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, एरोबिक कंडीशनिंग, मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइजेस जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कह रहे हैं, स्ट्रेंथ पावर एंड्योरेंस ट्रेनिंग्स, ठीक है. न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, पोस्चरल कंट्रोल, बैलेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है, बैलेंस एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वेंटिलेटरी मसल ट्रेनिंग, टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, यही चैप्टर आगे हम डिस्कस करते हैं सारे चैप्टर्स में, ठीक है. फिर लाइक आपको सिंपली उन्होंने यही टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन ऊपर टेबल में दी हुई थी, ठीक है. एक्सरसाइज सेफ्टी का इसका ये है कि आपको मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक्सरसाइज के लिए सेफ्टी कैसे है, किस तरह से चाहिए, ठीक है, और लाइक क्या क्या होना चाहिए, ठीक है. फिर आ जाते हैं हमारे पास मॉडल्स, मॉडल ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिसेबलमेंट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें जो हमारे पास सारे मॉडल लाइक आपके पास हमारे पास तीन या चार मॉडल्स हैं, ठीक है. नेगी का मॉडल है, NCRMM का मॉडल है, NCRRM का मॉडल है, ठीक है, ये हमारे पास है. ICF का मॉडल है, WHO का मॉडल है, ये ICIDH का मॉडल है, ठीक है. ये सब मेन मॉडल्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है. बेसिक देखो बेसिक उन लोगों ने सारे इम्पैक्ट डिसेबलमेंट के मॉडल्स के सारे इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं डायग्राम्स वगैरह के थ्रू, ठीक है. फिर उन्होंने लाइक सिंपली नीचे जो ये इतनी डिटेल्स दी हैं ये उन मॉडल्स की ही डिटेल है, आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है, ये क्या है, लेकिन इसके भी बेसिक्स ऐसे होने चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. बेसिक स्ट्रांग होगी ना तो लाइक आपके लिए मुश्किल नहीं होता कि पैथोफिजियोलॉजी किसी के बताना. अब आपके पास अगर आते हैं डिजीज आते हैं तो आप उसको इजीली बता सकते हो मैनेजेबल, ठीक है. जैसे इन्होंने अब इस टेबल में सारा इसको कंबाइन कर दिया, ठीक है. मस्कुलोस्केलेटन में हमारे पास किस तरह से उन्होंने बताया हुआ पेन, वीकनेस, क्या इंपेयरमेंट्स हो सकती हैं, सारी इंपेयरमेंट्स बताएंगे किस किस सिस्टम में, ठीक है. कार्डियोवास्कुलर में क्या है, इंटेग्रमेंट्री सिस्टम में क्या है, ठीक है, ये सारी उन्होंने बताएंगी थी. फिर उन्होंने फंक्शन लिमिटेशंस भी बताई हैं. फंक्शन लिमिटेशन ऑलमोस्ट सारी यही ही होती हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये लिफ्टिंग, कैरिंग, पुशिंग, पुलिंग, बेंडिंग, टर्निंग, थ्रोइंग, रोलिंग, स्टैंडिंग, स्क्वाटिंग, यही ज़्यादातर आ रही होती हैं पेशेंट में देखने के लिए कि इसके फंक्शन यही लिमिट हो रहे होते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स में, ठीक है. तो हम लोग इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं, सही है. फिर जनरल
कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास, एक्टिविटीज रेलेवेंट टू डिसेबिलिटी, ठीक है। सिंपली इन कैटेगरीज, अच्छा इन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है जो हमारे पास सारी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि लाइक हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, वही डिसेबिलिटी प्रिवेंशन वगैरह है, ठीक है। हाँ प्रिवेंशन किया जाती है, लाइक प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप काफ़ी जगह ये पहले भी पढ़ चुके हो, आई थिंक सो, ये हेल्थ एंड वेलनेस में भी था और काफ़ी सब्जेक्ट्स में और भी उन्होंने बताया हुआ, ठीक है। सो द प्रिवेंशन के कॉन्सेप्ट सब में यही है, डिफरेंट तरह से उन्होंने डिफरेंट बुक्स में, उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है, बस इतना सा, ठीक है। हमारे पास डिसेबलमेंट रिस्क फैक्टर्स उन्होंने कुछ दिए हुए, लाइक टेबल्स जो होते हैं ना, एक आध बार आप ज़रूर पढ़ो, ठीक है, लाइक अच्छे से, ठीक है। और रीडिंग आप चैप्टर को ज़रूर दो, ये की कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आपके ना, कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कोई पॉइंट ट्रिगर कर जाता है और आपको ये चीज़ याद रह जाती है, हाँ ये था, ठीक है। आई नो, लेकिन हर चीज़ पढ़ना मुश्किल होता है, टाइम भी कम होता है, तो आपको इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लाइक टेबल्स के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू बता रहे हैं कि आप टेबल्स कर लो, इन चीज़ों से कर लो, तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो होती है ना वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस पर भी लाइक इस तरह से कोई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या हाँ आप ये कह सकते हो कि ये आपसे कुछ मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पेशेंट मैनेजमेंट। हाँ आगे जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी ज़्यादा, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही क्लिनिकल डिसीजन से रिलेटेड है। क्लिनिकल डिसीजन से आप नीचे आते जाते हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाती है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। और लाइक आप कहते हो कि हमारे पास आ गया, फिर आ जाता है हमारे पास पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल आ गया, ठीक है। और ये सारा मॉडल इन्होंने बहुत अच्छे से इस डायग्राम में डिस्कस किया हुआ है, आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको डिटेल में पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं, एक आध बार आप रीड कर लो, लेकिन इन्होंने इस टेबल में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आप ये कह सकते हो कि की क्वेश्चंस हैं इनिशियल एग्जामिनेशन से पहले आपने क्या की क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए, पेशेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड लाइक मेन जो की क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है, किसी भी इनिशियल एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। फिर ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेमोग्राफिकली इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें ये चीज़ बताई, लाइक इन्फॉर्मेशन जनरेट करने की इनिशियल हिस्ट्री कैसे आपने लेनी है, ये सारे उन्होंने की कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, क्या क्या आपकी हिस्ट्री में कंपोनेंट्स होने चाहिए किसी पेशेंट की जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं। और ये हम काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह में पढ़ चुके हैं, इस साल तो लाइक काफ़ी लोगों की क्लिनिकल प्रैक्टिस भी नहीं हुई, तो फिर भी उसके भी काफ़ी लाइक रिलेटेड फिर भी हैं, ठीक है। एरिया स्क्रीनिंग के लाइक उन्होंने बताया हुआ सिस्टमिक रिव्यू, सिस्टम्स रिव्यू कैसे हैं, सिस्टम्स के रिव्यू उन्होंने सब बताया हुआ, ठीक है। इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई होती हैं, उन्होंने ये बताया सिस्टम उसकी स्क्रीनिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है, आपने उसको चेक करने करना है, मेजरमेंट कैसे लेनी है, देखो कार्डियोपल्मोनरी या हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, पेन, हैवीनेस इन द चेस्ट, पल्सेटिंग पेन, लाइक किसी और जगह रेफर तो नहीं हो रही, पेरिफेरल एडिमा, ठीक है, लाइट हेडेडनेस, ये सारे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, तो इसे स्किन टेम्परेचर, कलर, टेक्सचर, इंटेग्रिटी, स्कार्स, लम्स, ग्रोथ वगैरह, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटन से हाइट, वेट, सिमेट्री, ग्रॉस, आरओएम्स एंड स्ट्रेंथ वगैरह सारी आ जाती है, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करते हम, लेक्चर को चैप्टर को डिस्कस करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। सिंपली आप गाइडलाइंस भी हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको भी इतने डिटेल में नहीं जाओ, देखो हर चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर आपको पता है ना किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट, तो आप उस चीज़ को लिखने में लाइक आप काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस करने के बाद लिख सकते हो, ठीक है, लाइक देखने के बाद, सॉरी पढ़ने के बाद आप लिख सकते हो अच्छे से, सही है। सो आपको कॉन्सेप्ट लेना होता है, मेन आपके जो काम होना चाहिए ना वो आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट और मैयर्स हमने क्या करने हैं, असेसमेंट पेन की, गोनियोमेट्री, गेट की एनालिसिस, पोस्चर एनालिसिस, टेस्ट मसल परफॉर्मेंस, जॉइंट मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, इंटेग्रिटी असेसमेंट और असिस्टिव, लाइक मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा आया था कि आप ही आप बता देंगे, तो मैंने कहा कि एक वीडियो इस पर बना देती हूँ, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल में ही चल रही हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक कैटेगरीज, लाइक आपको किस तरह की डायग्नोसिस करनी है, आपकी इवैल्यूएशन क्या होनी चाहिए डायग्नोसिस प्रोसेसेस की, ठीक है। फिर ये लाइक उन्होंने ना पूरे चैप्टर को ना बहुत ज़्यादा उन्होंने पूरे चैप्टर को ना लाइक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कवर कर दिया टेबल्स के अंदर, ठीक है। फिर भी अगर आपको लाइक जिस बंदे को ज़्यादा है कि आप टाइम मैनेज करके आप उसको रीडिंग दो, चैप्टर को रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है
कई बार आपकी यूनिवर्सिटीज पे भी डिपेंड करता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है, आप किस कॉलेज से ले रहे हो, आपकी किस तरह की स्टडी का था, मैनुअल आप एनुअली दे रहे हो या आप सेमेस्टरली दे रहे हो, ये इस पर भी डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। बट जितनी मैंने बेसिक्स देखे हैं यही चीज़ें देखी हैं कि इम्पॉर्टेंट यही है। ठीक है, सो हमारे पास कुछ लाइक ये सारे टेबल्स वगैरह तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ये जो होती है ना लाइक आप इस तरह से भी कह सकते हो, जैसे हम ले रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशंस वगैरह हैं, या आप इस तरह जब चेक कर रहे हो पेशेंट को, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें उन्होंने बताई हुई है कुछ प्रिपरेशन एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्शंस देनी है कैसे। ठीक है, टास्क मोटर टास्क, ठीक है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हैं कॉन्सेप्ट मोटर लर्निंग के। ठीक है, मोटर लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट है इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी ही बनाती है। कॉन्टिन्यूस टास्क क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक फिगर 1.8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से काफ़ी ज़्यादा है, इसमें से भी 1.9 में से भी। क्लोज्ड ओपन एनवायरनमेंट आपको पता होना चाहिए क्या है, वेरिएबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, विदाउट और विद वेरिएबिलिटी, बॉडी स्टेबल कब है, बॉडी ट्रांसपोर्ट कैसी हो रही है, मैनिपुलेशंस कब हो रही है, मैनिपुलेशंस नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज के लिए आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई नो कि इस पे वीडियोस मुझे बनानी चाहिए थी लेकिन टाइम नहीं मैनेज कर पा रही, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पेपर से पहले एग्जाम से पहले कोशिश करूँ। ठीक है, स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग, ठीक है, मोटर लर्निंग की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लाइक ऑफ नेटिव स्टेज में आप क्या कर रहे हो कि इस स्टेज में पेशेंट ने बिल्कुल अभी लर्निंग पर पैटर्न डेवलप नहीं किया होता, आपने हर चीज़ को सिखानी होती है, बिकॉज ऑफ स्टेटिंग में आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो होता है वो खुद बहुत लाइक कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, फिर उसके बाद ऑटोनॉमिक में हमारे पास उसको टेंशन नीडिड नहीं होती, वो खुद बहुत उसके ब्रेन को टेंशन नीडिड नहीं होती, वो खुद बहुत नॉर्मली जैसे हम मूवमेंट परफॉर्म करें वैसे होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर मोटर लर्निंग, डिफरेंट तरह की प्रैक्टिस होती है, लॉन्ग टैंडम रैंडम लॉन्ग, हम फिजिकल कराते हैं, मेंटल करवाते हैं, होल कराते हैं, इसको पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह से होती है। फिर फीडबैक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइप्स बताई हुई है, किस किस तरह के इन्फ्रेंजिंग होता है, एक्सपीरियंसिंग होता है हमारे पास, फिर हम डिफरेंट तरह से लेते हैं, कुछ हम EMG के थ्रू लेते हैं, कंक्रेंट है, इमीजिएट है, इंटरमीडिएट है, हमारे पास लाइक कॉन्टिन्यूस है, डिलेड है, हम डिफरेंट तरह से ले रहे होते हैं। ठीक है, हम ताकि हमें पता चले कि जो फीडबैक सिंपली यही होता है ना कि जितनी जो हमने मूवमेंट करवाई है या जो इतना हमने सारी एक्सरसाइज मैनेजमेंट प्रोग्राम दिया है, जब हम ये एवेल्युएट कर रहे हैं तो हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है, फीडबैक आप उस टाइम भी ले सकते हो, लाइक डिफरेंट तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, लाइक हमारे पास उस टाइम भी आप एवेल्युएट करके आप चेक कर सकते हो, और कुछ आप थोड़ा टाइम के बाद डायरेक्ट फीडबैक के थ्रू भी चेक करते हो डिफरेंट तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, एडहेरेंस टू एक्सरसाइज, कितना टाइम तक बंदा एडहेयर कर रहा है, उसके फैक्टर्स क्या है, उसमें सिंपली कैसे हो रही है। ठीक है, मोटर लर्निंग की ये कुछ स्टेजेस ही उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई हुई है कि इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, सो आप इस चैप्टर में ना लाइक आप मेन कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, जब भी आप किसी चैप्टर के डिस्कस करते हो ना तो आपने उसकी मेन टेबल्स और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी होती। ठीक है, टेबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन जितने भी आपने थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज किया, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, हम लोग जब सिंपली पैथोलॉजी भी पढ़ते हैं ना, हमारे टीचर्स हमें यही कहते हैं कि आप लोगों ने टेबल्स कभी भी नहीं छोड़ने होते, टेबल्स डायग्राम्स। ठीक है, सिंपली आप वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों जो बच्चे ना लाइक पढ़ते हैं ना इस तरह सेशंस में डिवाइड करके स्पेस रिपीटिशन देके पढ़ते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि जो जिन लोगों को आदत होती है कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की, ठीक है, वो रटा नहीं मार सकते, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये टेबल्स। ठीक है, तो आप इन टेबल्स को फौरन रिव्यू करो, और आपके लिए लाइक चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, आप इसको अगर पढ़ने से लाइक टॉपिक पढ़ने से भी पहले एक बार टेबल को देख लो ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आप लोग इजीली जो होते हैं ना इससे कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई और चीज़ या कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे इंक्वायरी कर सकते, आप इंस्टाग्राम पे मुझे जाके टेक्स्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, या आप फेसबुक का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप इधर नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।